गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर हाइट। हम बात करेंगे कि वो कौन से फूड और कौन से एक्सरसाइजेज है जिसे लगाने से यू कैन इंक्रीज योर हाइट। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि हाइट किस पे डिपेंड करता है। हाइट का कनेक्शन होता है HGH से, जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये एक हार्मोन है जो आपके प्रीडेटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इसका काम होता है कि आपके बॉडी के ग्रोथ को मेंटेन करना, जैसे कि आपका मसल साइज, आपका बोन डेंसिटी, आपके लिगामेंट्स, इन सब के ग्रोथ के लिए ये हार्मोन HGH बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं कि आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी। 90% हाइट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स मतलब आपकी हाइट डिपेंड करेगी आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट पे। लेकिन अगर आपकी हाइट उनसे कम है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। तो जैसे कि मैंने बताया, 90% हाइट डिपेंड्स ऑन अवर जेनेटिक्स। इसका मतलब अभी भी हमारे पास 10% चांस है टू इंक्रीज अवर हाइट। तो अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी हाइट बढ़ेगी। लेट्स चेक आउट। पॉइंट नंबर 1, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सबसे मेन चीज है। फिर आपका गोल फैट लॉस हो, मसल बिल्डिंग हो, या हाइट इंक्रीज करना हो, आपके खाने में प्रोटीन, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स एंड वाइटमिन्स होना चाहिए। बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन आपके बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। आपका प्रोटीन इंटेक डिफाइन करेगा आपके बॉडी के ग्रोथ को, आपके मसल साइज के ग्रोथ को और आपके बोन्स के ग्रोथ को। और हमारे इंडियन फूड में होती है प्रोटीन की कमी, जो आपके हाइट और आपके हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो आपको प्रोटीन बेस्ड फूड खाना है। कितना प्रोटीन चाहिए एक दिन में? पर पाउंड बॉडी वेट आपके हर मील में 20-25 grams प्रोटीन होना चाहिए। और अब प्रोटीन बेस्ड फूड क्या है? यू कैन गेट प्रोटीन फ्रॉम एग, पनीर, फिश, चिकन, बीन्स। एंड सेकेंड इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आपके बॉडी को पावर देता है टू डू योर वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं, गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स। बात करते हैं बैड कार्ब्स की, जो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसको खाने से आपका इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा, आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो जाएगा, और जिसको खाने से यू विल गेन फैट। यू नीड टू अवॉइड बैड कार्बोहाइड्रेट्स, जो है पिज्जा, बर्गर, समोसे एंड द लिस्ट में गो ऑन। यू नीड टू अवॉइड जंक फूड। Our body needs good carbohydrates, which are oats, brown rice, whole wheat roti, fruits and vegetables. Now let's talk about vitamins. Vitamins में आपके growth के लिए सबसे ज़्यादा important vitamin है vitamin D. Vitamin D आपके muscle growth और आपके bone growth में help करेगा, जो आपको मिलेगा orange में, sunlight से, specially morning sunlight से, and you can get multivitamin supplement. I have made a video on multivitamins in 25 rupees. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं नीचे उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। It will definitely help you. तो ये तो हो गई न्यूट्रिशन की बातें। Now let's talk about the next step. Workout. लोगों में ये मिथ है, ये अफवाह है कि 20 साल के पहले वर्कआउट करने से आपकी बॉडी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसे दो एक्सरसाइजेस बताऊंगा विच विल हेल्प यू टू ग्रो। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, ये बहुत ही इजी वर्कआउट है। आप ये वर्कआउट कहीं भी कर सकते हो। आपको बस अपने फीट को अपने हाथों से टच करना है। आप आपकी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो, विच विल हेल्प यू टू ग्रो। और सेकेंड एक्सरसाइज है पुलअप्स। यस, पुलअप्स। पुलअप्स आप रोज लगा सकते हो एज अ वार्म अप। इसमें आप आपके बैक को स्ट्रेच कर रहे हो और इवन आपके बैक बोन को स्ट्रेच कर रहे हो, which will help you to increase your length. और guys, please ये myth से बाहर निकलिए कि workout करने से आपकी growth रुक जाएगी। उल्टा workout करने से you will feel good, you will feel strong और आपको बहुत भूख भी लगेगी। So that's it. These are the simple ways to grow. Follow good nutrition plan with plenty of protein. Avoid junk food and have healthy carbohydrates. And if you like my video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel.